जनसरोकार मंच के आज के इस कार्यक्रम कविता बोलती है मैं उपस्थित हूँ मेवाराम गुर्जर अपनी कुछ कविताओं के साथ। अभी पिछले वर्ष मेरी काव्य संग्रह है यात्राओं के पदचिन्ह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक से कुछ रचनाएं मैं आपके साथ साझा करता हूँ, तो आइए शुरू करता हूँ। पहली कविता है प्रेम। प्रेम में पत्थर की संधियों में उगाता है कोई नया पेड़। बादल बरस पड़ते हैं धरती के प्रेम में, बहती नदी की कलकल ध्वनि प्रेम में पहाड़ों को दी गई आवाज है। प्रेम में पहाड़ बोलना सीख जाते हैं, रास्ते चलना और हवा गुनगुनाना सीख जाती है। प्रेम के अवलंब से ही बेल चढ़ पाती है किसी पेड़ पर। प्रेम बचा रहना चाहिए पहाड़ों में, नदियों में, हवाओं में, बादलों में, ताकि बची रहे सृष्टि, बची रहे मनुष्यता और बचे रहे दो जीव। एक और कविता इस काव्य संग्रह से, अपने हिस्से का प्रेम। जिनके हिस्से में प्रेम नहीं आया उन्होंने खूब प्रेम किया, फूलों से, पेड़ों से, हवाओं से, धूप से। उन्होंने खूब प्रेम किया नदियों से, आकाश से और धरती से, शायद इसलिए कि उनकी तरह कोई प्रेम से वंचित न रहे। उन्होंने प्रेम से भरे लोगों को भी लुटाया अपने हिस्से का प्रेम। ठीक उसी तरह कवियों ने भी अपने हिस्से का प्रेम कविताओं में लिखा। कवियों के हिस्से में भी प्रेम नहीं आया। एक अनपढ़ स्त्री के शीर्षक से कविता है। अनपढ़ स्त्री नहीं जानती दुख की परिभाषा या विरह का कोई व्याकरण। गणित के अंकों को गिनना उसे नहीं आता, पर विरह के दिनों को अपनी अंगुलियों पर बेहद सटीक रखती है। उसे नहीं आता आयत, वर्ग या त्रिभुज बनाना, पर रोटी की गोलाई में वह सिद्ध हस्त है। उसे दिशाओं का बोध नहीं, पर इशारे से बताती है परदेश गए अपने प्रियतम की दिशा। उसे नहीं पता बसंत या पतझड़ कब आते हैं, पर वह जानती है कि किसी के मिलने से भी फूल खिलते हैं। एक और कविता है। पहाड़ों में पलने वाली लड़की जानती है बेपनाह मोहब्बत करना पहाड़ों से। जंगल से बीनी लकड़ियों के गट्ठर में होता है उसके दिन भर का प्रेम, जो उसने किया है पहाड़ों से, जंगलों से। उसे नहीं आता खिलौनों से खेलना, पर हंसिया और दांतरी से घास काटना सीख जाती है। वह नहीं जानती आधुनिकता की कोई परिभाषा, पर उसे पता है कम कपड़ों में अपने सांवले रंग को छुपाने का हुनर। अपने नंगे पैरों से पगडंडियों के सहारे पहाड़ के सिर पर जा बैठना वह बखूबी जानती है। वह जानती है पहाड़ों का रूठना और मनाना। मैंने देखे हैं उस पहाड़ी लड़की के प्रेम में पिघलते हुए कई पहाड़। वह सीख जाती है बाहरी परिवेश से लड़ना, ताकि बचा सके खुद को एक पहाड़न के रूप में। अपराधी शीर्षक से एक कविता है। घर पहुंचते ही बड़की बिटिया छीन लेती है मेरा बैग अपनी मनपसंद चॉकलेट के लिए। माँ पूछती है सर पर हाथ रखते हुए, बेटा तू ठीक है ना? आ गया, चल आराम कर ले। पापा इन शब्दों से कराते हैं सफर की थकान से परिचय। छुटकी बेटी जो भी सोकर उठी है दौड़ कर आ जाती है मेरी गोद में, और मैं चूम लेता हूँ उसकी नींद से भरी आंखों को। पत्नी की आंखों में देखता हूँ देर से आने की ढेरों मौन शिकायतें, और मैं केवल मुस्कुरा देता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं उसके विरह का
घोर अपराधी हूं। एक और कविता इसी शीर्षक से, प्रेम पौधा। मेरे ऑफिस में रखे हैं गमलों में कुछ पौधे, जिन्हें रोज देखता हूं थोड़ा सा बड़ा होते। इनकी पत्तियां करती हैं एक दूसरे को स्पर्श, मुझसे नजर चुराकर, और सुनाते रहते हैं दिन भर एक दूसरे को अपनी प्रेम कविताएं। उनकी ताजा कोंपलें लगती हैं किसी नव युवती की भांति, और प्रेम की परिपक्वता दिखती है अभी अभी खिले किसी लाल रंग के फूल में। कभी एक पौधा झुककर गले लगा लेता है दूसरे पौधे को बिल्कुल मनुष्यों की तरह। शाम को घर लौटता हुआ मैं बोतल में बचा पानी उड़ेल देता हूं उन पर, ताकि बचा रहे उनमें थोड़ा सा प्रेम, और मैं बचा रहूं थोड़ा सा प्रेम में। इस कविता संग्रह की जो छोटी छोटी कविताएं हैं, यात्राओं के पदचिन्ह, इस संग्रह से ही एक और कविता आपके सामने रख रहता हूं, जिसका शीर्षक है खोज। सभ्यताओं के उत्खनन से मिली मृण मूर्तियां, ताम्रपत्र और खंडर केवल अवशेष हैं उन तमाम सभ्यताओं के जो मनुष्य ने रची हैं मनुष्य होने के लिए। पर उनके उत्खनन से नहीं खोज पाए हम किसी कवि की प्रेम में लिखी कोई कविता, किसी प्रेमी के अधूरे किस्से, या प्रेम में पगा कोई विक्षिप्त। अभी नहीं खोज पाए हम उन तमाम खतों को जो लिखे थे किसी नवोढ़ा ने परदेश गए अपने प्राण प्रिय को। हम कहां ढूंढ पाए स्त्री के सदियों के त्याग को, या किसी विधवा के वैधव्य को। हमारी खोज से आज भी दूर हैं वो सारी कहानियां जो किसी माँ ने सुनाई थी अपने शिशु को उसके गर्भस्थ काल में। हम अब भी कहां खोज पाए उन सभ्यताओं के अंत का वास्तविक कारण। एक बगावत शीर्षक से एक और कविता है, तुम्हारे जाने के बाद कमरे में रखी चीजें चिढ़ाती हैं मुझे तुम्हारा नाम लेकर। चाय का कप छूने नहीं देता खुद को तुम्हारे छूने के बाद। खिड़कियां नहीं देखती मेरी ओर तुम्हें देखने के बाद। कुर्सी भी इतलाती है तुम्हारा स्पर्श पाकर। तकिए की जिद के कारण मुझे हार कर रखना पड़ता है उसे एक ओर। तुम्हें गले लगाकर खींची फोटो ने हथिया लिया है पूरी गैलरी को। वो सारी चीजें जिनको तुमने छुआ है मुझसे बगावत कर बैठी हैं। उनको अपने पक्ष में करके तुमने मुझे और अकेला कर दिया है। इसी कविता संग्रह है यात्राओं के पदचिन्ह से एक और कविता आपके सामने रखता हूं। एक दिन शीर्षक से है, तुम देखना। एक दिन पानी से वंचित रहे खेत बगावत पर उतर आएंगे और तोड़ देंगे तुम्हारी ऊंच नीच की सारी नहरों को। गांव देहात के अधम कहे जाने वाले बच्चे हथिया लेंगे सारी पाठशालाओं को। कीचड़ सने पैरों से शहर की सड़कों पर चलाएंगे हल और उगाएंगे खुद के लिए बराबरी की फसलें। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर एक दिन तोड़ बैठेंगे उन दरवाजों को जो उनके लिए हमेशा बंद रहे। तुम देखना, एक दिन वीरान हो जाएंगे तुम्हारे कैद खाने, बंदूक और तोपों पर लग जाएगी जंग। वे अधम लोग छीन लेंगे तुम्हारी सत्ता और उखाड़ फेंकेंगे गैर बराबरी के शासन को। और उस क्रांति में देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक और कविता आपके सामने रखता हूं, ठहरना। मेरे प्रेम थोड़ा ठहरना तुम, मुझे देखना है अभी तुम्हारी आंखों के महासागर में तैरते कुछ अधूरे सपने, स्मृतियों के बियाबान में भटकता एक खाली मन। तुम्हारी पीठ पर देख सकूं यात्राओं के पदचिन्ह, और पैरों के छालों पर लगा दूं मेरे सुख का मरहम।
तुम्हारी लंबी यात्रा के लिए बांध दूं थोड़ा सा साथ, तुम ठहरो ताकि मैं देख सकूं थोड़ा सा बचा हुआ बसंत और थोड़ी सी बारिश। मेरी सांस के अंतिम बंद के टूट जाने तक मैं सहेजना चाहती हूं तुम्हारे दुख, ताकि तुम्हारे दुख ओढ़े खुद को बचा सकूं तुम्हारे लौट आने तक। तुम्हारी ट्रेन छूट जाए शीर्षक से एक छोटी सी कविता है। किसी अल सुबह जब मेरी उन्नीदी आंखों से नींद होना चाहती है विदा, मेरी पलके चूम लेती हैं नींद से उन्मुक्त ललाट को, और नींद ठहर जाती है मेरी आंखों में कुछ देर। और किसी रोज भोर अंधेरे जब तुम पकड़ना चाहो पहली ट्रेन, मैं चाहती हूं मेरी आंखें रख दे एक मीठा सा चुंबन तुम्हारे अधरों पर, और तुम ठहर जाओ उसके प्रत्युत्तर के लिए। उस अंगड़ाई लेती सुबह में मैं चाहती हूं तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। एक और कविता रखता हूं आपके सामने। हमारे शहर से लौटता हुआ मैं ट्रेन की खिड़की से देख रहा हूं डूबते हुए अकेले सूरज को, ठीक वैसे ही तुम्हारी यादों के समंदर में डूब रहा हूं मैं। जैसे सूरज की लालिमा में छिपी है अकेलेपन की पीड़ा, वैसे ही मेरे हृदय स्थल पर बिखरी है कुछ अकेली यात्राएं। ट्रेन और तुम्हारा शहर दो विपरीत ध्रुवों की तरह है जो एक दूसरे से दूर जाते हैं, और चुंबकत्व के इस गुण के विपरीत है मेरी यात्रा। ट्रेन इस शहर से जितनी दूर जाती है उतना ही मैं और करीब आ जाता हूं तुम्हारे शहर के। सुनो, मैं थक गया हूं इन अकेली यात्राओं से। तुम चाहो तो ये यात्राएं खत्म हो सकती हैं। मुझे प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारे प्रत्युत्तर की। एक और कविता इस शीर्षक से बेटियों के नाम पर है। मेरी बेटियों, सुनो मेरी प्यारी लड़कियों, घर के झूठे बर्तन और कपड़े धोकर, रसोई का काम निपटा, पशुओं का दाना पानी और खेत से चारा लाकर भी तुम्हें जाना ही होगा स्कूल। तुम्हें पढ़नी होगी वो सारी किताबें जो लाइब्रेरी में रखी हैं अब तक तुम्हारी पहुंच से दूर। तुम्हें उन लड़कियों के हिस्से की किताबें भी पढ़नी हैं जो स्कूल नहीं जा सकी तुम्हारी माँ की तरह। तुम्हें लड़ना होगा उन विचारों से जो ये तय करते हैं कि तुम केवल लड़की हो, तुम्हारे हिस्से की किताबें और मेडल तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। इस धारणा को भी मिटाना होगा कि बेटी बाप की अर्थी को कंधा नहीं देती। तुम्हें लड़ना होगा उन तमाम विचारधाराओं से जो तुम्हारे आजादी के खिलाफ हैं। तुम्हें पाना होगा उन चीजों को जो तुम्हारी बेटी होने से दूर रही। मैं चाहता हूं मेरी बेटियों, बिना पंखों के भी तुम उन्मुक्त आकाश में उड़ो, किसी दौड़ में पहले पायदान पर रहो या कर्तव्य निभाने में बेटों से आगे रहो, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मैं किसी बेटी का पिता हूं। मेरी बेटियों, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। एक और कविता आपके सामने रखता हूं शीर्षक से, एक अंतिम कविता है। उसकी चाहना। उसकी चाहना है कि उसका प्रेम रंगा हो सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों से इतर, एक गाढ़े रंग से उकेरा हो हृदय के खाली कैनवास पर कोई आकृति। उसकी देह की उर्वरता किसी अल्हड़ मेघ की प्रतीक्षा में है, देह को भी पसंद है अपने ऊपर नर्म धूप। उसे डर है कि कहीं अनकहे शब्दों के बोझ से दबकर भरभरा कर गिर न जाए किसी ऊंची इमारत की भांति। उसकी पीठ पर बहती नदी में यदि सेध कणों में आया कभी तूफान, तो ले डूबेगी उन सारी संभावनाओं को जो बची हैं प्रेम की चुप्पियों में। वह चाहती है तपती दोपहर में भी नृत्यरत होना तुम्हारा प्रेम ओढ़े। धन्यवाद।